चैनल। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मंथली फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि है मेरा मार्च मंथली फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि मार्च मंथ पे मैंने यूज़ किया है और जो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं उन सब चीज़ों को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और छोटे छोटे रिव्यू देने वाली हूँ। ज़्यादा डिटेल में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर किया हुआ है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो गाइस लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो मेरे पास यहाँ पर जो भी है ज़्यादा करके स्किन केयर है, मेकअप में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर ये BLCC का ऑरेंज ऑयल पोर क्लिनजिंग फेस वॉश के बारे में। इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर किया हुआ है, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये फेस वॉश मैंने मार्च में यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये इतना फिनिश हो चुका है, यहाँ बस इतना ही बाकी है इसमें, क्योंकि ये फेस वॉश मैं आज से नहीं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। 5 ईयर हो गया है मुझे इन फेस वॉश को यूज़ करते हुए। मुझे VLCC के फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है और इसमें जो एक छोटे छोटे बीट्स हैं वो समर्स में कूलिंग सेंसेशन देते हैं वाटर के कॉन्टेक्ट में आके। समर्स में नहीं, हर सीज़न में कूलिंग सेंसेशन देते हैं तो समर्स में काफ़ी अच्छी फील होती है मुझे, तो मुझे ये समर्स में यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है टोनर, और ये है गुड वाइब्स का रोज़ी स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है। जब मैं इसे फेस पर स्प्रे करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे स्किन में एक ग्लो ऐड हो गया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऑलमोस्ट इसे फिनिश कर चुकी हूँ, ये और इतना ही बचा है, मैं आपको दिखा नहीं सकती लेकिन ये बस इतना सा ही बचा है। मैं सोच रही हूँ इसे रिपर्चेस करने के बारे में क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यह मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ और ये फेस वॉश को भी मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का ही रोज़ ही फेस सीरम। ये कुछ छोटा सा बॉटल है जो कि 10 ml में आता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका ये मेरा थर्ड बॉटल है, मैंने फर्स्ट बॉटल जो है वो ओल्ड पैकेजिंग वाली थी जिसे मैंने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। मैंने इसका वीडियो जो रिव्यू किया हुआ था उसमें मैंने बताया था ये बात, और उसके बाद सेकंड बॉटल भी मेरा फिनिश हो चुका है, ये है थर्ड बॉटल। ये मुझे 1 week हो गया यूज़ करते हुए, ये यहाँ तक फिनिश हो चुका है। तो मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल स्किन आपकी नेचुरली ही ग्लोई बना देता है, नेचुरली आप ग्लो करने लग जाते हो। मुझे ये फेस सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस नेक्स्ट जो है वो है एक मॉइस्चराइज़र, ये है हिमालया का नरिशिंग स्किन क्रीम। ये नॉन ग्रीसी लाइट वेट फॉर्मूले वाला मॉइस्चराइज़र है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट एवर मॉइस्चराइज़र है। ये बिल्कुल लाइट वेट नॉन ग्रीसी फार्मूला है। मैं इस तरीके के मॉइस्चराइज़र को समर्स में यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं करंटली इसे यूज़ भी कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, मैंने इसका रिव्यू भी किया हुआ है, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, मैं इसे भी आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है सनस्क्रीन, ये है लैक्मे की सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन लोशन। इसमें है SPF 24, जो कि ये काफ़ी पसंद है मुझे, ये भी बिल्कुल लाइट फील होने वाला सनस्क्रीन है, समर्स के लिए बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है। सो नेक्स्ट वो है एक शीट मास्क, ये है गार्नियर का शीट मास्क, इसे मैंने यूज़ कर लिया है आप देख सकते हैं। वैसे मैंने गार्नियर का चारकोल वाला था उसे भी यूज़ किया हुआ है और एक स्किन ब्राइटनिंग मिल्क ऐसा कुछ करके था जो कि येलो कलर का आता है, और एक ये मैंने परचेस किया था purple.com से। आपने मेरा पर्पल हॉल नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया ये है वो शीट मास्क, ये है गार्नियर सीरम शीट मास्क हाइड्रा बॉम, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इंस्टेंटली ही जब आप इस फेस वॉश शीट मास्क को लगाते हैं अपने फेस पर और जब आप इसे रिमूव कर देते हैं तो आपके स्किन पर एक ग्लो, एक इल्यूमिनेट लुक ऐड हो जाता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मैं इसे समर स्किन केयर रूटीन में मैंने इसे यूज़ किया हुआ था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये मेरी स्किन को एकदम ग्लोई इल्यूमिनेट लुक प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे भी रिपर्चेस ज़रूर करूँगी। सो नेक्स्ट जो है वो है लिप बाम। ये है निविया का एसेंशियल लिप बाम 3 बेनिफिट इन 1। ये है ओरिजिनल वेरिएंट। इसका प्राइस है 49 रुपीज़, जो कि 50 रुपीज़ कह सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब इसे नाइट पर अप्लाई करती हूँ तो ये बिल्कुल मॉर्निंग तक मेरी लिप्स को नरिश मॉइस्चराइज रखता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 ईयर्स हो चुका है मुझे इसे इस्तेमाल किए हुए, और मैं कोई भी लिप बाम अप्लाई कर लूँ, हिमालय का हो गया या फिर वैसलिन का, मुझे फिर भी निविया का ही ज़्यादा पसंद आता है। आज तक मैंने जितने भी लिप बाम अप्लाई किए हुए हैं मुझे ये ज़्यादा पसंद है। सो गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी है एक स्किन केयर, जो कि है एवर यूथ नेचुरल गोल्ड ग्लो पील ऑफ मास्क। ये एक पील ऑफ मास्क है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। मुझे इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे वीकली एक बार अप्लाई करना पसंद करती हूँ। जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और एक शेड ब्राइट लगने लगती है। तो आप कहीं भी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या फिर कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई करके जा सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ साथ ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। देन हम बात करते हैं एक स्किन केयर की, जो है एल्प्स गुडनेस की पाउडर। ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और मेरे पास और एक पाउडर भी है जो कि एल्प्स गुडनेस की सैंडलवुड पाउडर। ये दोनों ही मैंने पर्पल से ख़रीदा था और ये दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी क्वांटिटी है 150 ग्राम और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, तो ये दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है। मैं इसे अपने स्किन केयर में यूज़ करना पसंद करती हूँ वीकली 2 बार। मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है और इसने मेरे डार्क स्पॉट और एक्ने पिंपल वगैरह को भी कम करने में काफ़ी हेल्प किया हुआ है। और भी 2 पाउडर है जो कि मुझे अपने स्किन केयर में यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट जो है वो एक मेकअप, क्योंकि ये है नायका की वंडर पफ कुशन लिपस्टिक। इसका भी मैंने फुल रिव्यू अपने चैनल पर किया हुआ है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था तभी मैं इसकी फ़ैन हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं पहले से ही लिक्विड लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे बुलेट लिपस्टिक उतना नहीं पसंद। मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, पर मुझे कोई बुलेट लिपस्टिक या फिर लिक्विड लिपस्टिक में से कोई एक चूज़ करने को कहेगा तो मैं लिक्विड लिपस्टिक को ही चूज़ करूँगी। ये है नायका की वंडर पफ कुशन लिक्विड लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फॉर्मूले के साथ आता है, प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। मेरा इसमें शेड है ब्लेस, और ये काफ़ी अच्छा ब्राइट रेड कलर है जो कि ब्राइडल के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये एवरी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये लिप्स पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका फॉर्मूला अच्छा लगता है, प्लस इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो ये मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। सो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक परफ्यूम। मुझे परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये है डेनवर की ड्यूटी परफ्यूम, और ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है जो कि पिंक इन कलर में है। ये मुझे नीलम ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था पिछले साल, जो कि कुछ इस तरीके का इसका इनर पैकेजिंग है। काफ़ी क्लासिक और लग्जूरियस लगता है मुझे ये, और आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज़ कर लिया है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे रिपर्चेस ज़रूर करूँगी। और थैंक यू नीलम ये गिफ्ट देने के लिए, मुझे ये सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे एवरीडे में लगाना तो पसंद करती हूँ, बाहर भी अगर मैं कहीं जा रही हूँ कुछ फंक्शन वगैरह या फिर कोई पार्टी अटेंड करने के लिए, तो मैं इस परफ्यूम को लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।